अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th, होप यू ऑल आर फाइन। 10th क्लास हमारा जो चैप्टर है वो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक हमने ये पढ़ा है, तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, इसमें हमारे पास दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वॉलेंट्री एक्शंस एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस, तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। द हायर सेंटर ऑफ ब्रेन कंट्रोल कॉन्शियस एक्शन और वॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। ब्रेन का जो हायर सेंटर होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है वॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होते हैं हमारे जो मतलब हमारे कॉन्शियस में होते हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल हमारी मूवमेंट, हम लोग चाहेंगे तो हम एक जगह से मूव करके दूसरी जगह जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ अगर हम खुद नहीं चाहेंगे तो हम मूव नहीं कर पाएंगे। मतलब ऐसे एक्शंस जो हमारे कॉन्शियस में होते हैं उनको वॉलेंट्री एक्शंस बोलते हैं। इसी तरह से व्हेन इंपल्सेस आर नॉट पास टू द हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन, ठीक है, जब पल्सेस हायर सेंटर ऑफ ब्रेन से पास नहीं होती तो उसके रिजल्ट में जो रिस्पॉन्स परफॉर्म होते हैं उनको हम अंडर कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं वो। फॉर एग्जांपल हमारी हार्ट बीट, ठीक है, ये जो है हमारे कॉन्शियस में नहीं होती, ठीक है। हमारा जो हार्ट है वो हर टाइम बीट कर रहा होता है। सच रिस्पॉन्स आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री एक्शंस, तो ऐसे एक्शंस को हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। समटाइम्स द इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ वेरी क्विक, ठीक है। सच एज रिस्पॉन्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, तो ऐसे रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। द पाथ वे फॉलोड बाई द नर्व इम्पल्सिस फॉर प्रोड्यूसिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। ऐसा एक पाथ वे जहाँ से ये नर्व इम्पल्सिस गुजर के जा रही होती हैं अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए, रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म करने के लिए, उस पाथ वे को हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, ठीक है। ये देखें, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज़ द विथड्रॉल ऑफ हैंड आउट टचिंग अ हार्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन दिस रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर, हीट स्टिमुलस टेम्परेचर एंड पेन रिसेप्टर इज स्किन, अ नर्व इम्पल्स इज जनरेटेड विच इज़ अ कैरिड बाय सेंसरी नर्व्स टू द इंटर न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड्स, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको दी हुई हैं, ये भी आपने करनी है। इस टॉपिक के रिलेटेड मैं वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी, वो वीडियो भी आपने देखनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।